सर्दियों का सीजन है और गाजर का हलवा घर घर में तो बनता ही है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि गाजर और बीटरूट का हलवा एकदम सिंपल तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। क्या आपके बच्चे बीटरूट खाना पसंद करते हैं? मेरा बेटा तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करता, इसीलिए आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, वो भी बीटरूट डाल के। जी हाँ, देखिए इसके फायदे ऐसे हैं कि एक तो कलर जो है ना हलवे का बहुत ही बढ़िया उभर कर आता है, दूसरा टेस्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, और तीसरी बात ये है सबसे इम्पोर्टेंट, अब हलवा जब बनाते हैं तो सबसे मेहनत का काम क्या होता है? गाजर को ग्रेट करना, रहे तो आज की वीडियो में मैं एकदम आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे 1 किलो हलवा हो या फिर 2 किलो गाजर का, बिल्कुल भी उसे ग्रेट नहीं करना है, बहुत ही आसानी से हम ये हलवा बना सकते हैं, है ना कमाल की बात। तो चलिए बनाते हैं गाजर बीटरूट का ये एकदम टेस्टी हलवा आज की वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमने गाजर और बीटरूट को अच्छे से धो के लिया है, ये लगभग 1.25 किलो के आसपास है। अच्छे से इन्हें छील लेंगे और आगे का जो सिरा होता है वो निकालना है। अब ग्रेट नहीं करना है तो इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, है ना एकदम कमाल की चीज। अब इन टुकड़ों को हमें डालना है प्रेशर कुकर के अंदर और उसमें हम डालेंगे 2 कप दूध। दूध जो है वो गर्म किया हुआ हमारा जो होता है वो है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं। अब कुकर की सीटी लगानी है, 3 या 4 से 5 भी लगा सकते हो, बीटरूट डाला है इसलिए। अब स्लो गैस पे ही हमें इसकी सीटी लगानी है। साइड में 1 से 2 कप दूध मैंने गर्म करने के लिए रखा है। अब जैसे ही कुकर का प्रेशर रिलीज हो जाए ढक्कन निकाल लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बीटरूट और गाजर हमारे अच्छे से पक चुके हैं, दूध आपको शायद लगे कि फट गया है, तो इसका ये फायदा है कि जो मावा या फिर खवा हम डालते हैं ना वो टेक्सचर हमारे हलवे को यहाँ पे मिलेगा। अब धीरे धीरे पाव भाजी मैशर से मैं सारे बीटरूट और गाजर को हल्के से मैश कर रही हूँ। स्टार्टिंग में ही हमें पूरा मैश नहीं करना है, आगे हमें हलवे को पकाते जाना है, वैसे वैसे मैशिंग का जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये दूध सूख जाए हमें आगे और 1 कप दूध डालना है। जितना हलवा दूध में हम पकाएंगे उतना ही वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, राइट। 5 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के इसे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद जैसे ही ढक्कन निकाले सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे चम्मच से लगातार चलाते हुए हमें हलवे को पकाना है। अब ना जो बीटरूट है थोड़े से हार्ड होते हैं गाजर के कंपेयर टू, तो बीच बीच में हमें मैशर को लेके या फिर चम्मच के उल्टे सिरे से जो बीटरूट के छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें मैश करना है। बस जैसे ही दूध हमारा सूख जाए उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे चीनी, अपने पसंद से डालिए जितना आपको मीठा खाना पसंद है। यहाँ पे मैं 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी को अच्छे से मिला लेते हैं हलवे में, और चीनी जल्दी पिघल जाए इसलिए क्या करना है, बस ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट इसे और आगे स्लो फ्लेम पे पकाना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेसिपी के नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, और उसी के बाजू में जो बेल आइकन है अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। ढक्कन लगाने से हमारी चीनी जो है वो 3 से 4 मिनट एकदम बढ़िया से पिघल चुकी है। बस सारी चीज़ों को मिला लेते हैं और आप डिफरेंस देखिए, जो सफ़ेद सफ़ेद हलवा लग रहा था और वो थोड़ा सा चमकीला हो चुका है चीनी डालने के बाद। अब अपने पसंद से आप ड्राई फ्रूट्स डालिए। अब ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े आप चाहे तो थोड़ा सा घी में रोस्ट करके फिर इसमें डाल सकते हो, मैंने ऐसे ही डाल लिए हैं। मैंने थोड़े बादाम के टुकड़े लिए हैं और सनफ्लावर सीड डाले हैं। बस सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। अब यहाँ हमने डाले हैं 2 बड़े चम्मच घी। घी अब तक हमने नहीं डाला था, राइट। अब घी डालने की वजह से भी इसका जो टेक्सचर है वो और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो बस 2 चम्मच घी में प्रेशर कुकर में बिना घिसे हमने गाजर और बीटरूट का हलवा यहाँ पे बना लिया है। इन में हमें यहाँ डालना है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर के बिना तो मीठे का मज़ा ही नहीं है। बस इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिला लीजिए हलवे को। आप देख सकते हो पूरा पानी जो है वो सूख चुका है और ये अब हलवा जो है वो खाने के लिए एकदम रेडी है। तो इस सर्दियों में गाजर के हलवे के साथ साथ ही गाजर बीटरूट का ये हलवा आप ज़रूर ट्राई करें। आप खाइए, आपके दोस्तों को खिलाइए, फैमिली में और ख़ास करके बच्चों को खिलाइए।
है ना एकदम आसान रेसिपी। और इस रेसिपी की खास बात ये है कि आप इस टेक्निक से गाजर का हलवा भी बना सकते हो, सिर्फ बीटरूट का हलवा भी बना सकते हो, या फिर जैसे आज मैंने वीडियो में दिखाया वैसे दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। हलवा एकदम बेस्ट ही बनता है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और हाँ, अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसे लगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्विक एंड इजी ये डिलीशियस रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।